Hey guys, welcome to my channel That Glam Girl. और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ विंटर हैक्स जो कि काफी काम आने वाले हैं आपको इन विंटर्स में, क्योंकि ठंड तो बहुत ज्यादा है. तो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं ये विंटर हैक्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने नहीं किया हो. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. सो विंटर्स में हम लोग सॉक्स पहनते हैं, हमारे फीट ऑलरेडी स्वेटी रहते हैं. ऑल्सो अगर आपके फीट थोड़े से डार्क हो गए हों या फिर उसमें अनइवन स्किन टोन हो, जैसे कि मेरे यहाँ पर हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगी इसका एक सॉल्यूशन. सो आपको क्या करना है, नहाते टाइम आपको लेना है लूफा और इसमें आप थोड़ा सा बॉडी वॉश डाल के अपने फीट को अच्छे से रब करें. अगर आप यही करेंगे तो इससे आपके फीट जो है वो कम्प्लीटली एक्सफोलिएट होंगे, उसमें सारी डेड स्किन निकलेगी. ऑल्सो जो डर्ट होती है आपके फीट में जो रेगुलर सोप से नहीं हटती वो भी हटेगी एंड आप इंस्टेंटली डिफरेंस देखेंगे. जब सारे डेड स्किन सेल्स हट जाएंगे तो आपके फीट काफ़ी ज़्यादा क्लियर लगेंगे. आप देख सकते हैं डिफरेंस. इसके बाद मेरे फीट को मैंने वाइप कर लिया और इसके बाद बॉडी लोशन लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके फीट जो है उन्हें मॉइस्चराइजेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. और आप क्लियरली देख सकते हैं वन टाइम में ही कितने क्लियर हो गए हैं मेरे पैर. अगर आपके फीट में क्रैक्ड हील्स हैं, पीछे आपके हील्स में डेड स्किन सेल्स हैं, तो उसके लिए आपको लूफा से ही इसी तरीके से 1 मिनट तक अपनी ईच हील पर जेंटली रब करना है. और उसके बाद जब आप अपने फीट को क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो डेड स्किन है वो आपकी निकल जाएगी, जो क्रैक्स में से आपकी डर्ट थी वो निकल जाएगी एंड ऑल्सो इससे आपके क्रैक्स धीरे धीरे हील हो जाएंगे. इसके बाद आप एक थिक क्रीम ज़रूर लगाएं अपने हील्स पर जिससे आपके क्रैक्स परमानेंटली चले जाएं. ये आप मेथड अगर 3 से 4 दिन ही करेंगे आप देखेंगे आपके क्रैक्स डेफिनेटली चले जाएंगे और आपके हील्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट बन जाएंगी. बालों में डैंड्रफ होना विंटर्स में काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, मेरे भी थी पर मैंने इसे रिमूव कर दिया. ख़राब भी हो जाते हैं सर्दियों में बाल, तो उसको क्या करना चाहिए आपको, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ द ब्यूटी को एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू, जिससे आपके हेयर की डैंड्रफ हटेगी. आपके हेयर को ये शाइनर स्मूदर तो बनाता ही है, पर गाइज ये आपके जो हेयर है उनमें बाउंस भी लेके आता है. सो इसे इस तरीके से आप यूज़ करें. ये शैम्पू आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्वाइस अ वीक अपने हेयर को ऑयल करके शैम्पू करना ही है और ये शैम्पू इज़ बेस्ट रिकमेंड फॉर रिमूविंग योर डैंड्रफ. आप देख सकते हैं एक ही वॉश में इसने मेरे हेयर को कितना स्मूथ कर दिया और पहले मेरे हेयर बहुत ज़्यादा रफ एंड ड्राई से हो रहे थे. सो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस गाइज. इस पर को 1 मंथ यूज़ करके आप देख लेंगे आपकी डैंड्रफ चली जाएगी. अब बात करते हैं विंटर्स में आप अपने बैग में क्या कैरी कर सकते हैं. सो विंटर्स में अगर आप अपने बैग में कैरी करते हैं वॉलेट और फ़ोन, इसके अलावा आप कैरी करें एक वुलन कैप, क्योंकि विंटर्स में हम क्लोथ्स तो वुलन पहन लेते हैं पर हमारे को जो मेन ठंड लगती है वो उससे लगती है, हमारे जो ईयर्स में हमारे को ठंड लग जाती है हवा की वजह से. उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक कैप ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि अगर आपको रात को नाइट में आने में लेट हो जाता है तो आप एक कैप पहन लेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी. ऑल्सो आपकी जो स्किन है वो अगर रफ़ हो जाती है तो उसके लिए भी आप एक बॉडी लोशन ज़रूर कैरी कर सकते हैं. और अपने लिप्स के लिए ऑब्वियसली आप एक लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिप्स जो हैं बार बार वो भी ड्राई हो सकते हैं विंटर्स में. सो आप देख सकते हैं ये बॉडी लोशन अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन इंस्टेंटली स्मूथ हो गई. सो मुझे ड्राई हैंड्स ड्राई स्किन बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए आई कैरी लोशन. इसके बाद लिप बाम फॉर ड्राई लिप्स एंड अगर विंटर्स में आपको कट्स लग जाते हैं तो आप एक बोरोलिन ज़रूर कैरी करें, क्योंकि विंटर्स में कट्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं. सो इसलिए ये आप ज़रूर कैरी कर सकते हैं. So that's it guys. इस तरीके से आप बना सकते हैं अपना विंटर बैग. वेट लॉस करना बहुत इजी होता है विंटर्स में. वो क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि आप विंटर्स में गर्म पानी तो पी ही सकते हैं बहुत ही आसानी से. सो आपको क्या करना है, पहले तो आपको अपनी डाइट में से जंक फूड और स्वीट्स जो होती हैं, ऑयली फूड जो होता है वो काटना है, यानी कि वो नहीं लेना. बाकी आप रेगुलर अपनी डाइट ले सकते हैं. इसके अलावा मैं आपको एक टिप बताऊंगी जो बहुत इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए. सुबह मॉर्निंग में उठकर आपको पीना है 1 ग्लास गर्म पानी, और ये पानी मतलब इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि यू जस्ट बर्न योर टंग, या कि बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालता है, आपकी बॉडी में से फैट को भी फ्लश आउट करता है. नेक्स्ट आपको लंच करने के 5 मिनट बाद 1 ग्लास गर्म पानी पीना है, और रात को डिनर करने के भी 5 से 10 मिनट बाद आपको गर्म पानी पीना है. इस तरीके से अगर आप रेगुलरली करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 मंथ में ही आपका काफी ज्यादा वेट लॉस हो जाएगा. ये टिप आप जरूर फॉलो करें फॉर वेट लॉस. ये मेल्स और फीमेल्स दोनों कर सकते हैं. सर्दियों में जब हम मेकअप करते हैं हमारा फाउंडेशन बहुत ड्राई सा पैची सा लगता है ना, तो अगर आपका चाहे कोई भी स्किन टाइप हो, मेकअप करने का एक तरीका होता है विंटर्स में. वो कैसे करना है चलिए देख लेते हैं. मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन, इट इज इन द शेड 115. इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. फाउंडेशन आपको खुद की स्किन टोन का ही चूज करना चाहिए, और अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोग ये शेड भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो मेबलिन का फाउंडेशन है
ये जो है आपकी स्किन पर ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि लगाने के बाद वो आपकी खुद की स्किन टोन का ही बन जाएगा। ये सारी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, विच इज फॉर ड्राई, नॉर्मल एंड ऑयल। इस ब्रश में मैंने इस तरीके से फाउंडेशन ले ली, आपकी नेक पे भी आपको इसे अप्लाई करना है। और इसके बाद एक जो मेन टिप है जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि आपको अपनी आईज के नीचे और आईलिड्स पर थोड़ा सा ज्यादा फाउंडेशन अप्लाई करना है। अब इसके बाद मैं इसे इस तरीके से मिक्स करूंगी। ऑल्सो दो तीन एरियाज हैं जहां पर आप फाउंडेशन अप्लाई करना भूल जाते हैं, वो है जो आपकी नोज है उसके नीचे इस तरीके से, और आपके इयर्स पर भी आप फाउंडेशन नहीं अप्लाई करते काफी बार। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू डिड देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन अगर आप चाहते हैं आप सब में से किसी एक पर्सन का नेम मेरी आने वाली वीडियोस में लूं। और आज जिसका नेम मेरी वीडियो में लूंगी वो है हिमाली मेहता। तो शाउट आउट टू यू गर्ल एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।